अंतर गुरु आराधना जीवा जप गुरु नाम नेत्री सतगुर पेखना श्रवणी सुना गुरु नाम सतगुर से ती रत्यां दरगे पाये ठां कौ नानक कृपा करे जिसनु ए वत दे जग में उत्तम काढ़िए काढ़िए विरले के ऐसो जन बिरलो है सेवक 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 जो तत् जोग को बेते जो तत् जोग को बेते ऐसो जन बिरलो है सेवक ऐसो जन बिरलो है सेवक जो तत् जोग को बेते जो तत् जोग को बेते कहन कहावन को कही केते कहन कहावन को कही केते कहन कहावन को कही के ते कहन कहावन को कही के ते ऐसो जन बिरलो है सेवक ऐसो जन बिरलो है सेवक जो तत् जोग को बेते जो तत् जोग को बेते ऐसो जन बिरलो है सेवक ऐसो जन बिरलो है सेवक दुख नाही सब सुख ही है रे
दुख नाही सब सुख ही है रे के एकीत एक एकीनित बुरा नहीं सब भला ही है रे हार नहीं सब जीत बुरा नहीं सब भला ही है रे हार नहीं सब जीत ऐसो जन बिरलो है सेवक ऐसो जन बिरलो है सेवक जो तत् जोग को बेते जो तत् जोग को बेते कहन कहावन को कही केते कहन कहावन को कही केते ऐसो जन बिरलो है सेवक ऐसो जन बिरलो है सेवक सोग नहीं सदा हर की है रे छोड़ नहीं किछ लेते सोग नहीं सदा हर की है रे छोड़ नहीं किछ लेते कहो नानक जन हर 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 है कत आवे कत रमते कहो नानक जन हर 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 है कत आवे कत रमते ऐसो जन बिरलो है सेवक ऐसो जन बिरलो है सेवक जो तत् जोग को बेते जो तत् जोग को बेते कहन कहावन को कही केते कहन कहावन को कई के तै कहन कहावन को कई के तै कहन कहावन को कई के तै ऐसो जन बिरलो है सेवक ऐसो जन ऐ
ऐसो जन बिरलो है सेवक जो तत् जोग को बेत रहा स्ट्रेस ते सानू सारिया दे जीवन विच है उम्र दे केड़े पड़ाते हाँ स्टेटस केड़ा है केड़े मज़हब वाले हाँ केड़ी कंट्री च रहते हाँ केड़े ब्रांड नेम दे कपड़े पाते हाँ केड़ी कार ते बैठते हाँ इस तक कोई ताल्लुक ही नहीं है। हर इंसान नू स्ट्रेस है। स्ट्रेस ते आएगा। जो स्ट्रेस लेना ही नहीं चाहते सन वो सब कुछ छोड़ के डर के जंगल चले गए। डर के जो स्ट्रेस लेना नहीं चाहते ने वो ब्याह नहीं कराना चाहते ने। ये गल वक्री है। जिन्हों का ब्याह हो जाता है वह अपने आप को पापी समझ के, जिन्हों का ब्याह नहीं होता उन्होंने ब्रह्मचारी ब्रह्मज्ञानी कह के धर्म का ठेकेदार बना के अपने सिर पर रख लेंगे। पर यह नहीं पता कि ये तो हमसे भी डरपोक है। जदों शिप नू समुंदर विच ले जाओ तूफान जरूर आनगे। इस करके जिस दिन तो शिप बनया कश्ती बनी है तां तो इंसान इस खोज विच लगा रहिंदा है कि किस किस्म दे तूफान आनगे उन्हां तो किस तरह बचना है। पर ये इंसान कदी नहीं एक्सेप्ट कर सकता कि तूफाना दे कारण शिप चलाना ही नहीं चाहिदा। Ship is safe in the harbor, but it's not made for it. किनारे ते खड़ा रवे इस वास्ते नहीं है। जिन्हां नू किनारे ते खड़ा करन वालियां आदतां पै चुकियां होंदियां वो अपने घर विच नवें नवें बेडशीट्स सराने क्रॉकरी लियांदे ने पर वर्तदे बिल्कुल नहीं ने। मैले हो जाएंगे, पुराने हो जाएंगे, फट जाएंगे। इस गल दे डर दे कारण घर वालियां नू उन्हूं हाथ लाण ही नहीं देंदे ने, डरदे ने। पर वो इस वास्ते बनाईया नहीं सी गईयां चीज़ा। शिप भी इस वास्ते नहीं बनाया गया सी। जिन्हां नू कार दे नाल अटैचमेंट हो जाती है वो कार नू साम साम के रखते ने, कोई हाथ ना ला जाए, डेंट ना पै जाए, कोई मैले कपड़े वाला ये टच होके खड़ा ना हो जाए। पर अल्टीमेटली कार नू स्क्रैचिज पैंदे रहिंदे ने, डेंट पैंदे रहिंदे ने, कार पुरानी होंदी रहिंदी है क्योंकि मौसम और आसपास दी एनवायरमेंट और स्पीड ब्रेकरस और ब्रेकां लगाने दे कारण आस्ता आस्ता कार भी पुरानी होंदी है। जिन्हां नू ये गल समझ आ जाती है बहुते फसी नहीं होंदे ने कार बारे, हाथ क्यों लगा दिया, मैली क्यों हो गई, डेंट क्यों पड़ गया, ये क्या कर दिया। तो अपनी कार तो निकल के दूजी कार या स्कूटर मोटरसाइकिल किसी नाल टकराण दे कारण लड़दे नहीं ने। समझ आ चुका है वियर टीयर होएगा। ब्रिज उत्ते स्ट्रेस आंदा है। जदों ब्रिज उत्ते हवावां दा थल्ले पानी दे प्रेशर दा अते टेंपरेचर दा अते जो उदे उत्ते वाहन ट्रैफिक चलता है इहदे कारण ब्रिज उत्ते भी स्ट्रेस आंदा है। जो ब्रिज उत्ते लोड रखिया जांदा उहदे ते भी स्ट्रेस आंदा है। जो साडे घरां विच मंजलां बणदियां ने इहनां उत्ते भी स्ट्रेस आंदा है।
पर सियाणप दे नाल उस स्ट्रेस नू मैनेज किया जाता है। जे मैनेज करना नहीं आता तो असी अपने जीवन विच व्याकुल अपसैट डिस्टर्ब कल कल वाले जीवन वाले बन जाते हाँ। रोज़ सानू 75 किस्म का क्रोध चढ़ाने वाला कोई ना कोई हैपनिंग होती है और असी क्रोध चढ़ा के अपना स्ट्रेस मैनेज नहीं करते हैं तो पूरी तरीके दे नाल अपना पुल अपनी बिल्डिंग अपने मन की धरती नूं सतयुग तो गिरा के कलयुग विच ले आने इनू कहिंदे ने अवतरण। सतयुग विच मेरे मन दे बैल दे चारों पैर प्रॉपरली धरती ते टिके रहिंदे ने बैलेंस्ड। मन जीतै जग जीत। पर ज्यों ही मैनू किसी ने कुछ तंग किया मेरी एक टंग टुट गई मैं त्रेता विच टैपिया। हुण मैं बैलेंस्ड नहीं हाँ मेरे मन की धरती दा बलद दी एक टंग टुट गई ते जे मैं तां भी अपने आप नूं नहीं संभालिया दूजी टंग भी टुट गई मैं त्रेता तो द्वापर च टह पिया। हुण दो टंगा रह गई चार टंगा दे नाल बैलेंस्ड खड़ा हुंदा सी टेबल दियाँ जे चार टंगा ने टेबल खड़ा है जे एक टंग तोड़ दिती जाए उस पासे डिगेगा दूजी होर टुट जाए तो मैं इहदे ते इस तरीके नाल ठीक तरीके नाल बैठ नहीं सकदा समान रख नहीं सकदे। इस तरह मेरे मन की धरती दियाँ दो टंगा टुट गई बैल दियाँ तीजी होर टुट गई जदों मैं एक टंग ते रह गया कल कल दुखी। अमीरां करोड़ां पति होंदिया होया अमीरी माणदिया होया माण नहीं पांदिया जदों साड़ी नौकरानी साड़ा नौकर साड़ा झाड़ू मारन वाला साड़ा भांडे मांजन वाला तो लैके मेरे बच्चे मेरे पति पत्नी मेरे माँ प्यो कोई भी मैनू डिस्टर्ब कर सकता है। क्यों? क्योंकि मैनू मेरी स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं आती। हाउ टू मैनेज योर स्ट्रेस? वी आर वनरेबल टू हैव द स्ट्रेस। स्ट्रेस तो मुनकर हो के कमरे विच अखां नूट के चौंकड़ा मार के समाधि लाण नाल सो कार्ड तथा कथित मेडिटेशन करन नाल ध्यान लगान नाल कुछ नहीं होंदा। साडियां कितने सारे सैमिनार होने साफ मन ध्यान मेडिटेशन इस तरीके दे हर सैमिनार विच असीं इह डिस्कस कीता कि गुरु नानक साहब कहिंदे ने जे तू मन नूं बैलेंस कर लवें मन जीतै जग जीत। हर वेले तेरी समाधि है हर वेले तेरी मेडिटेशन है उठत बैठत सोवत आई है मार्ग चलत हरे हर गाई है ये हर वेले दी जिहड़ी तेरी मेडिटेशन है इस दे बारे सानू गुरु पातशाह कहिंदे ने मन दी अवस्था नू सिख नोट कर इनू वेखण दी अख लै। जे तेरे कोल वेखण दी अख नहीं है ये वालियां अखां हन तां तू अन्ना है। यू कैन नॉट सी यू कैन नॉट असैस यू कैन नॉट एनालाइज बाई योर सैल्फ कि मैं क्यों किवें किसी दे टाइनी जे ऑल पिन दी नोक जिन्ने कुछ भी गलत कीते काम दे कारण तो लैके वड्डे वड्डे कम्मा तक मैं क्यों डिस्टर्ब हो जाता हाँ। कारण पता की है मैं ताज़ा फ्रेश साहेब मेरा नीत नवा दा रोज़ रोज़ आत्मक फ्रेश रिजक दा भोजन अपनी रूह आत्मा मन नू नहीं खवांदा मैं बासी खांदा। एक बारी किसी ने किसी नू पुछया सी नी भैन सवेरे सवेरे की खा रही है कहंदी है डिनर है सवेरे सवेरे
वो भी डिनर, तैनू पता की कहती पई है, डिनर राती खाई दा, कहती हाँ रात दी बची सवेरे खा रही हाँ, डिनर ही ते खा रही हाँ। असी सारिया ने धर्म बहुत सारा पढ़िया होया, डिनर वांगू खांदे हाँ, रोज़ नवी सवेर चढ़ जाती है, पर मैं बासा भोजन खांदा हाँ। क्यों? मैनू सब कुछ पता दा भुलेखा है, ओवर कॉन्फिडेंस है मैनू, पर ओवर कॉन्फिडेंस तैनू नॉलेज कितनी है, धर्म कितना पढ़िया होया, कितना चंदन खोते वांगू सिर ते चुक्या है, इट डजेंट मैटर हाउ मच नॉलेज यू हैव, हाउ मच ग्रेट लैक्चर यू कैन गिव। इस तरह मेरे वांगू बैठ के स्टेज ते यू कैन, पर तेरे मन की अवस्था किसी कारण भी डिस्टर्ब हो जाती है, यू आर लॉस्ट, यू आर गॉन। आज इस शब्द नूं समझ के असी अपनी स्ट्रेस मैनेजमेंट करांगे। सीखना है कि मैनू किस तरह मैं अपने आप नूं बचावां। सर्वर पंखी हेकड़ो फाही वाल पचास, अनेका मनु सतान वाले तंग करनगे। कल असी गल कर रहे सी कि एक इंसान घरों बाहर निकलता है बेत्याना सी, केले दे छिलके ते पैर पिया, तिलक गया, गोडा टूट गया, 3 महीने पलस्तर चढ़िया रहा। जदों ठीक होया हुण तुरन जोगा हो गया, घरों बाहर निकलिया, उन्हें देखिया 2 केले दे छिलके पे ने, ओ आज 2 बार ही फिसलना पड़ेगा, उन्हें तो नहीं छिलका फेंकया, उन्हें नहीं सुटिया, किसी ने सुटिया सी, पर आज वो देख रहा 2 बारी फिसलना पेगा, एदा मतलब छिलका कोई फेंकता है, तू फिसलता रहता है, तू मूर्ख है, तू अन्ना है, लोग छिलके सुटते रहेंगे, तू तिलकता रहेगा। धर्म केड़ा पड़िया, डिनर खाना है, बासा भोजन खाना है, ताज़ा नहीं खाता, रोज़ अनेक प्रॉब्लम्स आन गियाँ। तू भी तो रोज़ नवा नवा भोजन खाया कर, अपनी रूह आत्मा नू खुराक दिया करना, तैनू सब कुछ पता है, सब कुछ पता दा की फायदा है। जदों असी सच नू सुन के, धरती दा कोई भी इंसान एनी मनुख जदों सच नू सुन के सच ते टुरन लग पैंदा ना, उन्हों कहते ने यह विरला हो गया। इंज नहीं है लाखों करोड़ों में एक शहर में हजारों लाखों डॉक्टर रहते हैं, हजारों लाखों इंजीनियर रहते हैं, हजारों लाखों वकील रहते हैं, पर उन लाखों करोड़ों के पीछे कोई एक विरला होता है, इंज गुरमत नहीं है। गुरमत कहती है एक शहर में हजारों लाखों रहते हैं, एक कंट्री में करोड़ों रहते हैं, इस धरती में अरबों रहते हैं, सारे के सारे सबना सौरे वंजना सब मुकलावन हार, हर कोई विरला बन सकता है, दैट्स वाई धर्म इज देयर। जिदी नीयत नहीं है विरला नहीं बनना चाहता। ए बिल्कुल भुलेखा पै गया हजारां सालों तो, वो करोड़ों में कोई एक होता है विरला नहीं, जो एक चलने लगता है वो विरला हो जाता है। सो आज दे शब्द च कह रहे ने, ऐसो जन बिरलो है सेवक। शब्द की राव की पूरी पंक्ति है, कहन कहावन को कई केता है। एक तो जे बारला लीए बड़े कहण वाले ने, मैं ब्रह्म ज्ञानी हाँ, उन्होंने चेले कहने ये ब्रह्म ज्ञानी है, इन्होंने कभी स्त्री को हाथ नहीं लगाया, ये सोते नहीं हैं, एक टांग पे खड़े रहते हैं, 3-3 महीने खाते नहीं हैं, इनको बोलना पड़े तो बोलते नहीं हैं, प्यास लग जाए तो पानी मांगते नहीं हैं, ऐसे कर देते हैं, ऐसे कर दिया तो बोल ही दिया ना। इस तरह कई कईयां दे चेले ते कईयां दे बंदे, कईयां दे साथी, कईयां दे सेवक,
ते कई अपने आप नू कहना हमने भगवान को देखा है, रब तकिया ऐसा। मैं बड़ा पोचिया होया, मेरे वर्गा शरीफ कोई नहीं, मेरे वर्गा रब प्रस्त कोई नहीं। इस तरह कहण वाले बड़े ने, इस तरह भी कहण वाले बड़े ने। ऐसे भगवान को मिला जाता है, ऐसे करो फिर ऐसे करो, इतनी बारी 108 बारी माला फेरो, फिर 5 लाख ऐसे पाठ करो, ऐसे का ऐसे हो जाता है, रब जी डर जाते हैं तुम्हारे से, मत जाते हैं। इस तरह कहण वाले बड़े ने। थर्ड एंगल, मेरा मन, अनेक ऐसे इसनू ख्याल आते ने जिन्हां नाल परमाया जाता है, इसनू बड़े सारे सुने आते ने, कहन कहावन को कई कहता है, पर इन्हां सारयां दे विच मेरा मन जदों निज घर दी गल सुनता है, अंतर आत्मे हिरदे में बसते हुए भगवान गॉड अल्लाह खुदा वाहिगुरु की गल जदों सुनता है ना, हिरदे चों निज घर अंतर आत्मे च वसदे रब दे मुख चों निकली हुई जिहड़ी गल है उहनूं जमीर की आवाज़ कहते हैं, रूह की आवाज़ कहते हैं, खुदाई पैगाम कहते हैं, उहनूं तुर की बाणी कहिंदे ने। जिहड़ा वो तुर की बाणी निकलती है ना गुर दे मुख चों, रब दे मुख चों, उहनूं गुरमुख कहिंदे ने। गुरमुख दे खखे नूं सियारी, गुर दे मुख चों निकली होई आवाज़, सुनिया सद्दा सदड़ा सुनेहा सानेओड़े सदड़ा। इनू जो सुन लैंदा है वो इस पासे टुर पैंदा है, ऐसो जन बिरलो है सेवक वो बणदा है। वरना इनू कहण वाले अंदर बड़े सारे पतालां दे पतालां वाले ख्याल हन, बड़े सारे ऐसे ख्याल आएंगे, उसने तेरे को गाली निकाली तू चुप कर गया, उसने तुम्हारी सबके सामने बेइज्जती कर दी तू चुप कर गया, ना कब तक दूसरे को हम चांस देते रहेंगे, ऐसे तो लोग की सिर पे चढ़ जाएंगे। इस तरह अंदर बड़े सारे ख्याल आएंगे, तू लोगों की करतूतों के कारण उन्हां दे छिलकियां ते फिर फिसलना है या नीच कर दी आवाज़ सुननी है। बिरलो बनना है तो नीच कर दी सुन, मनमुख साकत बनना है तो लोगों की चल जगत की भेडा चालते चल, स्ट्रेस आएगा फिर, देन यू विल बी इन प्रॉब्लम। एक तो स्ट्रेस तू जबरदस्ती बुला लेगा, रेगुलर कोर्स ही जिहड़ा आना वो तो आना ही आना है, पर तू होर वाधू बुला लेगा अते होर वाधू बुला के तेनू मैनेज करना भी नहीं आएगा, तेरे दिमाग की नस भी फट सकती है ते तू दूजे का भी नुकसान कर सकता है। तेरे अंदर ऐसे ऐसे डिस्ट्रक्टिव कैमिकल्स पैदा होंगे कि तू अपना भी नुकसान कर सकता है। निक्का बच्चा देखा कभी, मम्मी देखो इसने मेरा खिलौना ले लिया, बच्चे को स्ट्रेस आ गया, सही है सुनो आ गया ना, पर मम्मी को ली काख है देखने दी, कोई बात नहीं तेरा छोटा भाई है ना, पड़ोसी है ना, ताऊ का लड़का है ना, दे देगा कोई बात नहीं, मम्मी का स्ट्रेस खत्म। कितना सिंपल है, पर जो मम्मी भी स्ट्रेस ला ले ओए तुहाडे काके ने साडा खिडौना लिया दो मारांगी अगो तो बस मम्मी भी बर्बाद, मम्मी के भी चारों टांगे टूट गई। अजकल दे पेरेंट्स हैं जी सिखांदे ने ना दादी दादी नू कहंदे ने ए तुहाडा पोतरा जे रोज़ स्कूलों मार खा के आ जांदा है, तुसी इनू सिखाओ ना चार ला के आया करे, आखिरकार पुत्र की दै, इस करके चारों पासे अतवाद और वर्ड वार हो रही है, पिछले जन्म दे करके नहीं है। एनी मिस हैपनिंग इज नॉट सब्जेक्ट टू पिछला जन्म, इत्थे ही कोई मनुखी करतूत है, पर मनुख नू समझाया है तू अपनी अकल मन उत्ते माण करदा है, मन की मत उत्ते
तू सतगुर की मत ले लै बिरला बन सकता है। तेनू कहण वाले बड़े मिलनगे, भरमाण वाले बड़े मिलनगे, बाहरों भी ते तेरे अंदरों भी ऐसे ख्याल आएंगे, कहन कहावन को कई केता है, ऐसो जन बिरलो है सेवक, तू बिरला बनना है, फिर लोगों के छिलकियां ते ना फिसलिया कर। ये अकल सीख के तेनू छिलका देखना आंदा होवे, मैं एक बारी सांझ की थी सी कि 1996-97 विच मैं अपनी बच्ची नू अमेरिका तो इंडिया पढ़ाने वास्ते लैके आया। शी वॉज हार्डली 5। जदों असी उसनू दाखिल कराया तो वो मैनू पहला कहती है कुछ दिन बाद, पापा मैं इंडिया नहीं पढ़ना। बेटा क्यों नहीं पढ़ना? ऐ इत्थे ना एक बच्चा क्लास विच गलती करता, टीचर मैम आके सब नू खड़ा कर देंदी है, मैं नहीं इत्थे पढ़ना। थोड़े दिन बाद कहती है इत्थे गली दे बच्चे आपस विच बड़ा लड़ते ने, तंग करते ने, वो एक मुंडा है वो ना सैकल चला के आंदा है दूजे बच्चियां दियां टंगा दे विच सैकड़ सैकल दा पहिया जबरदस्ती इस तरह चढ़ा देंदा है, तो उन्हूं पापा पता नहीं कि झल पै जांदा है, उहदे अक्खर मेरे कन्नां च हुण तक गूंजते ने। पर जिंदगी हर पल ते जदों कोई छिलका सुटदा है, कोई स्पीड ब्रेकर आंदा है, कोई फ्रिक्शन आंदी है, मनु ओदी गल आंदी है याद, जिस तरह वो काके नू सैकल वाले नू झल पैंदा है ते नुकसान करदा है, इंज भुपिंदर सिंह तैनू झल पैण वाला है, संभाल अपने आप नू, तेरा पुल टैपेगा, तेरी बिल्डिंग टैपेगी, तेरी अंपायर टैपेगी, संभाल। ये गल वक्री है कि मैं संभाल सकता कि नहीं सकता। आज दा टॉपिक असी डिस्कस कर रहे हैं, दैट डज नॉट मीन आई एम परफेक्ट। कई दफा इंज भी संभालना होंदा है कि ऐ मेरा वीर सुखबीर एग्जाम्पल एक दिन बना रहा सी, बड़ा कीमती सी। पहली मंजिल दे उत्ते एक बंदा बैठा है, उहदी टंग टुटी हुई है पूरी इत्थे तक, कमर तक जिथे बेल्ट बंदे इत्थे तक पूरा टंग उत्ते प्लस्तर चढ़िया होया है, बालकनी च बैठा है। ओए भुपिंदर तुसी उपर आ रहे हो ना, ध्यान रखना है ना जिहड़ी चौथी पौड़ी है ना टुटी हुई है। मैं क्या टुटी है तो फिर की करा, ध्यान नाल आना। मैं क्यों तुहाडी टंग क्यों टुट गई है? कहिंदा मैं ध्यान नहीं सी कीता। ना जे तुहाडी अपनी टंग टुट गई है तो मैनू की उपदेश पे देंदे हो? इस तरह असी करदे आ लोकां नाल, तुहाडी अपनी ते टुट गई है, मैनू बड़ा उपदेश करदे हो। ओ कहिंदा है मेरी टुट गई है, मैं बेत्याना सी, तुहाडी ना टुटे, इस करके काइंडली ध्यान रखना। सो इंज भी डिस्कस किया जाता है कि मेरी टुट गई है, दैट डज नॉट मीन के आई एम परफेक्ट टू। जो डेली साढ़े नाल वापरदा है ये गल्लां डिस्कस करदे हां, और ये गल्लां डिस्कस कर करके इन्हां गल्लां नूं ही समझना है। पर असी समझण ना समझण दा ठेका चुकिया होया है, असी एक फर्ज पकड़िया होया है, दूसरों की गलती कैसे निकालनी है। हुण टग ऑफ वॉर शुरू होएगी। अगर तेरे को अक्कल है दूसरे की गलती निकालने की तो दूसरा भी निकालेगा, अब तो टग ऑफ वॉर होगी। दूजा भी कहना मेरा बर्थ राइट है, तू भी कहना मेरा बर्थ राइट है, कड्डो भाई कड्डो गलतियां एक दूजे दियां, लड़े रहो। पिछे असी दिल्ली सैमीनार कीता है होम में, तो उहदे च असी ट्यून भी इंज ही बनाई और पॉइंट भी यही रखिया, शब्द दी गायकी दे टेक। होम में कित्थों उपजै, कित्थों उपजै सीखना, समझ लभ कित्थों उपजै, कित संजम में जाए, केड़े तरीके नाल जानती है। वंस यू आर एबल टू मैनेज दिस फाइन। तो जदों मैं अमेरिका वापस गया तो मेरे ब्रदर दी,
मेरी सिस्टर दी नूँह मैनूं पुछदी है तुसीं जिहड़ा होमे सैमीनार कराया उहदे बारे थोड़ा जिहा चानण पाओ कि इन्ना वड्डा दो दिन पाँच पाँच घंटे का सैमीनार करके आए हो। मैं क्या सैमीनार करन तो बाद मैनूं इह गल समझ आई, मैनू पता नहीं केड़ी अकल आ गई है, मैनू पता नहीं केड़ी चतराई आ गई है, मैनू पता नहीं केड़ी देखण दी एक नज़रिया मेरे कोल आ गया, इंटलैक्ट आ गया है कि मेरे इलावा लोगों च गलती कित्थे है। दैट इज़ माई ईगो, दैट इज़ माई होम, दैट डज नॉट लेट मी हैव पीस। होम कंडा ज्यों ज्यों चले चुभे दुख पावे, पता नहीं कितों मैनू अकल आ गई है कि आई कैन चेक कि तुहाडे अंदर गलती है। माई गॉड, है मैनू बहुत तंग करदा है। सस नू समझ आ गई है कि किचन दे काम किस तरह होंदे ने, हुण उहनू नूँह च गलतियां चेक करन दी अकल आ गई है। नूँह पढ़ आई है उन्हों बुढ़िया विच चेक करन दी अकल आ गई सी, इस करके वो अपनी माँ बुढ़ी दी गलती चेक करे ना करे, सस दी अकल सस दी गलती चेक करनी आती है। बस मुसीबत शुरू हो गई, पति नू पत्नी दी चेक करनी आती है, पत्नी नू पति दी, बच्चियां नू माँ प्यो दी, माँ प्यो नू बच्चियां दी। इस तरह सानू दुनिया भर दे सब दी ना गलतियां चेक करन दी अकल, दिस अकल दा सोर्स इज ईगो, हौ मैं मेरा कंडा। इंज अपने बारे सोचिया करना कि गलती कोई करेगा भरेगा तू। जिस कंट्री जांदा जिस शहर जांदा उत्थे दे बारे लोग की गल्ला शुरू करते हैं, वो वीर जी इत्थे दे प्रबंधक, तुहानू नहीं पता इत्थे दी संगत, तुहानू नहीं पता इत्थे दे भाई साहब ने की कीता। जदों ये गल्ला शुरू करते हैं मैं कहना मैं फ्लाइट इच थक्या होया आया, कसूर उन्हां दा, मैनू सज़ा क्यों दे रहे हो कि आई हैव टू लिसन यूअर होल गेम। एवें मैनू एक होर स्ट्रैस दे दोगे, मैं तो झगड़े नबेड़न आया तुहाडे, मैं नहीं नबेड़ सकता, मैं सेवियर नहीं हाँ, मैं मसीहा नहीं हाँ, मैनू भुलेखा नहीं है कि मैं सब जगह बारिश करा सकता। तू सोच छिलके सुट्टणगे, सुट्टण वाले गलतियां करते रहणगे, तू तिलकदा रहेगा कितने गोडे बनवाएगा, हाउ मैनी टाइम्स, कदों तक। मनमुख मनमूरख अजहू न समझत, स्वान पूछ जो पयो न सूदो, कुत्ते की पूछ है क्या। सीधा इंज कहो ना लगता हो वीर जी ने क्या कह दिया धार्मिक स्थान में बाणी च लिखे स्वान पूछ कुत्ते की पूछ है क्या, 12 महीने नली में रखो। शब्द दा रहाओ, कहन कहावन को कई कहते हैं, ऐसो जन बिरलो है सेवक, जो तत् योग को बेता है। तत् योग की होंदा है सत्संग जी, एक नॉलेज होंदी है जिहड़ी असी इत्थे इकट्ठी कर लैंदे हां, किताबची ज्ञान, कंप्यूटर का ज्ञान, गूगल खोलने का ज्ञान, अखबारों का ज्ञान, मीडिया का ज्ञान, पुराना सुने सुनाए का ज्ञान, पढ़ लिख के दुनियावी पढ़ाई या दुनियावी ग्रंथ धार्मिक ग्रंथ पढ़ पढ़ के जो नॉलेज इकट्ठी की जाती है ना उन्हूं तथा कथित ज्ञान कहते हैं। जिस नॉलेज दे नाल मैनू सच दा जीवन जीना आ जाता है ना उन्हूं तत् ज्ञान कहते। तत् ज्ञान इंज नहीं है कि भाई तुसीं पूरा संतरा निचोड़ो तो फिर जिहड़ा रस निकल के आएगा, फुल्लां नूं निचोड़े तो जिहड़ा एसेंस निकल के आएगा, इंज नहीं। तत् ज्ञान है
तेनू जो समझ आया जे तू ओदे टुरदा और ओदे नाल तेनू वाकई वो वाला रिजल्ट प्राप्त होंदा, वो वाले देश पहुँचण दा डेस्टिनी तेनू प्राप्त होंदी है जो ओदे दस्या गया सी, और जे तू अप्लाई कर लिया तो ये कहलाता है तत् ज्ञान। द नॉलेज यू गाट यू आर एबल टू लिव ऑन इट एंड यू आर रेलिशिंग इट इज कॉल्ड तत् ज्ञान। जो तत् योग को बेत है, तत् योग का मतलब होया वो वाली सुमत आ गई जिदे नाल निज कर अंतर आत्मे च वसदे रब जी दे नाल योग मिलन दी अवस्था दा ज्ञान मेरे मन नू समझ आ गया। बेत है बेता, मेरा मन वो बेता बन गया बिरलो सेवक दे मन दा अवस्था, जो अपने अंदर वाले भगवान जी के साथ लिंक बना सकता है, जो तत् योग को योग लिंक संबंध समझ गया। पत्नी कहती है तुहानू तुहाडे नाल 35 साल हो गए ने विआह कराया, जानती हाँ मैं तुहानू। अजकल दी तां पत्नी पहले दिन ही कहती है क्यों, क्योंकि 5 साल तो लव अफेयर नू बीत गए ने, जाओ जाओ जानती हाँ तुहानू। याद है जदों कॉलेज मेरे वाल भी देखते सी, उहदे वाल भी देखते सी, है ना, इंज ही होंदा ना। अजकल वाली तो विआह तो पहले ही जानती है, जानता है काइंडली नैवर माइंड दिस कि मैनू अचानक एग्जाम्पल या कुछ फुर पैंदा जे वो स्त्रियों वाला लग जाए तो डोंट माइंड, जे बंदियां वाला लग जाए तो डोंट माइंड, पर मैं उम्मीद करदा कि मेरे उस दे पिछे इंटेंशन नू समझण दा जतन करदे हो। जे नहीं करते तो कई बार मैं आके बीबियां कहंदियां वीर जी तुसी बीबियां दे जैदा चुटकले सुनांदे हो, मेरी कोई इंटेंशन नहीं है। सो वो सेवक होंदा, वो दास होंदा, वो वाला मन। बाहर से सेवक और दास बनने का कुछ फायदा नहीं है, अस ते सेवक हाँ तुहाडे दास हाँ, दिस इज़ फोनी, दिस इज़ हिपोक्रेसी। अंदर दे सुने दा सेवक बनना बिरला हो जाएगा। ऐसो जन बिरलो है सेवक, जो तत् योग को बेता है वो रियल सेंस च वो मन की अवस्था पाता है। मेरे इस उंगल दे निक्के जे डॉट जितना भी लिंक जे मेरे हार्ट दे नाल टूट जाए इत्थे ब्लड नहीं पहुँचेगा, यह अंग मर जाएगा। मेरे ब्रेन च एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड वास्ते ऑक्सीजन ना जाए, मेरा ब्रेन उत्थों डेड हो जाएगा। पर ऑक्सीजन किवें जाएगी, ब्लड जाएगा, ब्लड दे विच ऑक्सीजन होंदी है उत्थे पहुँचेगा। एक सेकंड लई जिथे ब्लड ना पहुँचे, जिथे ऑक्सीजन ना पहुँचे, वो अंग खराब हो जाता है। हार्ट तो ब्लड एंज मेरे हिरदे तो जिस अंग दा लिंक टुटदा है उहदा जोग टुट जाता है। जे मेरे मन दे नाल उहदा लिंक बनया होया, इस अवस्था नूं भगत कहिंदे ने, क्योंकि मन सतगुर दी मत लै के वह वाला दुध मेरे एक एक इंद्रे ज्ञान इंद्रे एक एक रोम रोम नूं ट्रांसमिट कर रहा है, इस अवस्था को भगत बोलते हैं, विरलो सेवक बोलते हैं, जन बोलते हैं। स्ट्रेस मन नूं अनेकां अट्रैक्ट करन वाले टैम्पटिंग ख्याल आंदे ने कि शायद इहदे विच सुख मिलेगा। जो ही ये ख्याल आया टेंशन और स्ट्रेस शुरू होगा।
पर जदों तक रब्बी एकमिकता वाला तत् योग लिंक ना बनाइए, निजकर अंतर आत्मे वाले दे नाल लिंक ना बनाइए, मन सुखी नहीं होंदा। सुख नाही बहुते तन खाटे, सुख नाही पेखे नित नाटे। इस करके असी एक बार एक सैमीनार किया, सो सुख मोको संत बतावो, तृष्णा बूझे मन तृप्तावो। ऐसी कोई गल करो ना मनू, साढ़े जितने सैमीनार्स ने सब्जेक्ट टू गुरबाणी ने, हर सैमीनार एक फुल इंसान की साइकोलॉजी उत्ते गुरु पातशाह लगा के उसनू समझाते ने। इस करके एक एक शब्द सानू प्रेरद है, अपने बारे सोच। डोंट टॉक अबाउट पीपल, लोकी की कर देने। मिठा बोलन का सैमीनार किया, एक बीबी आई, बहुत अच्छा लैक्चर सी तुहाडा, काश मेरी सास और पति अज इत्थे अटेंड कर रहे होंदे। मैं उन्होंने पूछा तुसी कीता है, कहिंदे हाँ। अच्छा लगा, मैं क्या हाँ, यू रियली लाइकड इट, यू आर कन्विंस्ड, कहिंदी यस। मैं क्या नो, तुहाडी बोट मिस हो गई, क्योंकि पूरे प्रोग्राम में तुसी यही सोचते रहे, जे वो आए होंदे सुन लेंदे उन्होंने मिठा बोलना आ जाता, तुहाडी बस मिस हो गई। दूजे नूं पढ़ाना है, बच्चा, मम्मी टीचर कल स्कूल में बता रही थी हम इस धरती पर औरों के लिए पैदा हुए हैं, लिविंग फॉर अदर्स। मम्मी कहती यस बेटा, टीचर सही पढ़ा रही थी, हम औरों के लिए पैदा हुए हैं। हुण साड़ी सोचनी वाला बच्चा सी, पता की कहिंदा है, मम्मी फिर और किस लिए पैदा हुए हैं? वाह, असी सारे सोच रहे हैं धर्म मेरे लिए थोड़ी ना, औरों के लिए है। पर जे मैं धर्म ते टूरा ते शर्त ये है कि और भी चल रहे हैं। जेड़ी नूँ या जेड़ी सास या जेड़ा पति या पत्नी हूसो एवर इन दिस वर्ल्ड, जदों सच नूँ सुन के सच्चा जीवन जींदा है, जे उसनू रैलिश करना आ गया तो वह अपने निज घर के नाल राफ्ता कायम करके अपने खुदा गॉड वाहिगुरु अल्लाह के नाल ऐश करता है। पर जेड़ा कवे ना की जरूरी है कि जे मैं मिठा बोलनी सीख गई तो मेरी सास भी अगों मिठा बोलेगी, नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। ये टेंशन होर क्रिएट करेगी, इस नालों चंगा तुसी मिठा ना बोलिया करो, अपनी कुड़ित्तन वाले बोल वाली विश वाली बोली नाल ऐश करो ना। सास दो सुनाए तुसी चार सुनाओ, ऐश करो। व्हाई यू आर आस्किंग दिस क्वेश्चन? धर्म के पास आए क्यों हो, धर्म को पढ़ते क्यों हो, शर्त है कि दूसरे भी माने? नहीं, ये नहीं है। संत न छाड़े संत जी, कोटक मिले संत, करोड़ा लोग तेरे को मिलेंगे ऐसे जो असंत वाले काम करते ने, तू चंगा अपना गुण क्यों छड़ना है? इफ यू रैलिश यू विल नेवर, इफ यू काउंट इट काउडी देन यू विल लीव इट। जे तू इसनू रतन समझदा तो काउडी बदले त्यागे रतन तू नहीं करेगा। साड़ी स्ट्रेस का मैनेजमेंट इंज होता है, मन तदों तक सुखी नहीं होता, तदों तक भटकता रहता है जे अपने निज कर अंतर आत्मे नाल लिंक नहीं करता। जदों भटकते रहते हाँ, इस भटकना जम्मण मरना कहते ने। मेरी अज 55 साल उम्र है, मैं रोज़ लखा करोड़ा वारी जमदा मरता जमदा मरता हाँ। पर जे गुरु नानक साहब की गल सुनाओ, कहते नानक बद्दा कारता हाँ जिथे मिरत ना जन्म जरा। मैं ऐसे निज करना योग बना चुका हुआ, उत्थे पल पल मरना नहीं हुंदा। इदा मतलब भटकना परमना पल पल जमना मरना मेरे मन की अवस्था है,
हुने इसे जन्म इच इसी जीवन काल दे अंदर जितने नरक सो मन मुख भोगे मैं रोज अनेक नरकों च पैना वा मनु अपना स्वर्ग क्रिएट ही नहीं करना आता। मैं अपने आप नू परेशान करन दा राह लभ लैना वा दिल्ली अंदर मेरे एक मित्र ने करोड़पति ने उन कहंदे यार मैं कदे भी अपने सहुरिया कोलों कदी कुछ कुड़मा कोलों एक्सपेक्ट नहीं कीता पर मेरी वाइफ और मेरी नूह दी नहीं बनती घर हर वेले नरक बनया रहिंदा। मैं क्या करोड़ों रुपए कमांदे हो नरक क्यों बनया रहिंदा। कहंदा यार सिंपल गल मेरी वाइफ मेरी नूह नूं कहंदी है व्याह होने तो बाद व्याह तो पहला तो तुसी सानू जानते नहीं सी माफ़ कीता व्याह होने तो बाद मेरा बर्थडे आया तेरे माँ प्यो ने पूछया नहीं नरक शुरू। जम्मण मरना शुरू क्यों मैं पटकना छा बहुत जन्म दे पर मत फिरत मैं पटक रहा ए बहुत जन्म कहलांदा है विछड़ गया ए बहुत जन्म बिछड़े कहलांदा है। मैं पटकिया होया हुण मेरे पटके दी की निशानी होएगी मैं निंदा चुगली विच पवांगा मैं मान अपमान विच पवांगा मैं सुख दुख विच पवांगा मैं खुशी गमी विच पवांगा मैं हर सोग विच पवांगा। इनू कहंदे ने ड्यूअलिटी बुरा भला तिचर आखदा जिचर है दूहू माए। जब तक भाई साहब आप दो में है ना तो आपने अपने लिए नरक क्रिएट किया हुआ है। बाइबल कहती है द अदर इज हेल द मोमेंट यू क्रिएटेड ड्यूअलिटी एक नाल जे तू नहीं जुड़िया एक नाल तत् जोग नहीं होया हुण तू अपना नरक क्रिएट करेगा। क्यों? क्योंकि तैनू सतगुर दी डॉक्टर दी वैद दी गल समझ आई ही नहीं है। डॉक्टर ये दवाई रात को 3 चम्मच ले लेना। मरीज अगले दिन आया डॉक्टर साहब मैं ठीक नहीं हुआ क्यों मेरे घर 3 चमचा है ही नहीं। इस करके मैं 3 चम्मच दवाई ले ही नहीं। अच्छा हुण तुहानू चारों पासे लोकी इंज कहंदे मिलणगे ओ जी ए सारा सब कुछ ठीक है बहुत अच्छियां लगदियां गल्लां ए जिहड़ियां एथिक्स दियां गल्लां ए आइडियल गल्लां ए धर्म दियां गल्लां पर वीर जी इस पर चलना बड़ा मुश्किल है चम्मच है ही नहीं तो दवाई खाएं कैसे आपे इनवैलिड कर दिता बहुत मुश्किल है नहीं मुश्किल तू मुश्किल कर लिया जो तो दूर कर देता है पर नेड़ा है दूर ना ही रे मुश्किल ते तू क्रिएट कर ली है। सो हुन मान अपमान इन्हां सारियां गल्लां विच तू पवेगा जितना इन्हां सारियां गल्लां च पेगा उतनी टेंशन क्रिएट होएगी स्ट्रेस आएगा लै सकना ते लै लै। बड़े लोकी इंज कहंदे सुनिया मैं ना आजकल पिक्चर हॉल जाके फिल्मा देखनिया छड़ दित्तियां। मैं क्या माता जी क्यों तुहानू ते बहुत शौक हुंदा सी फिल्मा देखण दा ए मेरे हुण गोडे दर्द हुंदे ने। वाह एक बंदा मैं हुण पीणी छड़ दित्ती है। मैं क्यों ए डॉक्टर कहंदा हुण तुहाडा लीवर खराब हो गया। इस तरह सीधे हत्थे नहीं असी सुधर सकते स्ट्रेस जरूर लेना है वधाना अपने वास्ते मुसीबत पानी है बड़ा सिंपल हो सकता है। मैं दो कुड़म देखे ने व्याह तो एटलीस्ट 6-7 महीने पहला दोनों एनक लगा के नक उत्ते इंज रख के दोनों कागज़ ते बना रहे सन। अच्छा फिर आलू ते भठूरा होना चाहिए कि व्याह ते 6 महीने बाद व्याह है। अच्छा फिर मिलनी वेले फिर की अच्छा फिर वो वेले की
तू नू बहुत ही कीमती काम कर रहे सन, दरगाह दे अंदर जान दा, स्वर्ग दे अंदर पहुँचण दा बहुत कीमती काम कर रहे सन, लिस्टां तैयार कर रहे सन, किस तरह होएगा, कितनी अपने आप मुसीबत पाई हुई सी, वेरी सिंपल, छुट सकदा, टेंशन तो पाई हुई है, रब उत्ते नू ना पाई। और जदों वो लैण जांदे ने, कार्ड छपवा जांदे ने, कार्ड चैक करदे ने, प्रिंटिंग गलत हो गई, शाही फैल गई, कार्ड नकम्मा निकलिया, लोकां दे ने वधिया कार्ड, अपने वास्ते आपे टेंशन खरीदी हुई है, निज कर अंतर आत्मे नाल मेल नहीं है, उस्तत निंदा वाह वाह मान अपमान, इस सारिया मुसीबतां सानू घेर लैंदियां, टेंशन क्रिएट अपने आप वास्ते कीती, मैनू उन्हां ने बुलाया नहीं, जे बुलाया तां खाली कार्ड दे गए, तुहानू बदामा समेत दे गए, मनु हुण कार्ड ते जाण दी टेंशन नहीं है, तुहानू बदाम नाल क्यों दे गए ने दी टेंशन है, स्ट्रेस है, पर जदों मैनू बुला लिया उत्थे, मैं जदों सीट ते बैठा सी, मेरे पिछे वाले नू कहा आओ रोटी खाइए, मैनू बुलाया ही नहीं, स्टेज ते चार बंदे नू हार पाया, मैनू पाया ही नहीं, क्यों अपने वास्ते मुसीबत खरीदा, छिलके बड़े सुट्टन वाले तैनू मिलनगे, तू कुछ सोच, जदों तक रब्बी जोग मेल ना होवे, तत ज्ञान विजडम ना ले जावे, मन विगास विच नहीं हांदा, मन नू खेड़ा खुशी नहीं होंदी, मैनू एक बड़ी पुरानी गल याद आई, कनॉट प्लेस एक होटल विच खांद्या होया, सूप दे विच्चों कॉकरोच निकल आया, बहरा ये क्या किया है, ये तुम्हारा हाल, कनॉट प्लेस में इतनी टॉप क्लास जगह, बड़ा बड़ा नाम बनाया हुआ है, बहरे नू उच्चा उच्चा बोलो, बहरा साहब चुप रहो चुप रहो, आखिरकार वो मैनेजर ने बुला लिया, मैनेजर ने सोचा है सब जगह बदनाम करेगा और बाकी लोगों को पता लग जाएगा, उन्होंने कहा आप जो मर्जी खाओ ना, आपसे हम कुछ नहीं लेंगे, सो बढ़िया चीज़ा ऑर्डर कीतिया, सारा कुछ फ्री खा खो के आ गए, हूँ दूजे ने दसिया कल मैं वहाँ होटल पे गया था, वहाँ सूप में ना ऐसे कॉकरोच निकला था, सो हूँ मेरे फ्रेंड ने सुन लिया, वो जाके कहता है सूप लेके आओ, सूप ले आए, हूँ उन्होंने पता सी कि फ्री तो होना ही है सब कुछ, सो ही ऑर्डर, अच्छा चिकन ले आओ, अच्छा मलाई कोफ्ता ले आओ, अच्छा ये ले आओ, नान ले आओ, सब कुछ ऑर्डर करा लिया सब कुछ, और खाई जाए, और सूप सब तो बाद इच पीन वेले, पींदा गया कॉकरोच ही नहीं निकलिया, बहरा इसमें कॉकरोच नहीं है, सत्संगत जी अपने वास्ते खुशी नहीं बनानी ना, तो हर जगह तुसी कोशिश करोगे कि मैं अपने आपनू दुख देन वाला कॉकरोच जेब च पा के गया सी, जे ना निकलिया तो मैं पा देंगा, इस तरह सब जगह कॉकरोच लैके फिरते रहते हैं, क्यों मैं ठेका चुकया, मैं खुश नहीं रहना, मैं आनंद विच नहीं रहना, जदों इस अवस्था नूं माणन दी जात आ जांदी है कि मैं सदीवी खेड़े विच रहना है, इस नूं विरले बन जाना कहिंदे ने, लखां करोड़ां पिछे किसे एक नूं विरला नहीं कहिंदे ने, लखां करोड़ां दे लखां करोड़ां विरले बन सकदे ने, बनना है तां अपनी स्ट्रेस मैनेज कर सकदे आ, जे नहीं बनना तब बहुत बहाने ने, इग्नोर करन दे, टालन दे, सच नू टालन दे, मैं फिसल इसलिए गया हूं क्योंकि उन्होंने छिलके फेंके थे, तुसी सुने कि एक बीबी बाहर खड़ी अपने घर दे वेड़े थे, सामने वाली आंटी देख रही है, क्या हुआ इतनी परेशान क्यों खड़ी है, पता की कहती है, मेरे पति 5 घंटे तो सब्जी लैन गए हुए ने हुण तक नहीं आए, क्वाइट अपसेट, टेंस्ड, डरी हुई, घबराई हुई,
पांच घंटे हो गए ने सब्जी लैन गए हूँ तक नहीं आए। वो पता ही कहती है चल कोई गल नहीं लून फुलका पका लेना। शी इज नॉट कंसर्न्ड इसका पति नहीं आया। वो सब्जी दे सोल्यूशन सुना रही है। पांच घंटे हो गए मेरे पति नहीं आए। सानू कितना जीवन बीत गया है। मेरा शौ घर नहीं आ रहा क्योंकि शौ ते घर बैठा मैं घरों बाहर गया हुआ मन परदेसी वे प्यारे आओ करे। जिहड़ा घर आ जांदा है ना वो अपने घर नू संभालदा है। उहदे घर कां रूपी विकार कां नहीं करदे हुंदे ने। क्यों? क्योंकि वह बैलेंसड हो चुका है। उसने अपना घर संभालना है। सदा सच संभाले संभालदा है। जिसनों ये गल समझ आ जाती है ना सतसंग जी उसनू ये पहला पदा समझ आ जाता है दुख नाही। सवेरे असी डिस्कस किया फरीदा मैं जाने दुख मुझको तो असी समझा सी कि केड़े दुखां की गल चल रही है। दुनियावी किसी भी लग्जरी या किसी भी कामयाबी ना होने के कारण या किसी भी चीज़ की प्राप्ति ना होने के कारण या शरीर उत्ते कुछ रोग आ जाने के दुखां की गल नहीं चल रही। फिर धरती ते सब तो वड्डा दुख की है मेरे मन की अवस्था। मेरा मन दुखी तां हुंदा जदों रब जी तो विछड़ जाता है। सो तत् जोग को बेते रब जी नाल लिंक बना चुका होया है। दुख नहीं दुख इज गॉन। मेरा पति घर में है। आई एम वन विद माई बिलवड मेरे शौ नाल। हाँ भूल गया था मैं पर सुबह का भूला शाम को घर आ गया फाइन पति जी मिल गए ओके। दुख नहीं हुण की अवस्था है सब सुख ही है रे। स्ट्रेस रहा ही नहीं। सत्संग जी जदों असी कोई छत उत्ते बीम पाते हाँ कोई इस तरह बार इस तरीके छज्जा बार कढ़ते हाँ या दो पिलर्स उत्ते या दो दीवारों उत्ते जो छत पाने ये उत्ते स्ट्रेस आता है। पर इस स्ट्रेस या टेंसाइल स्ट्रेस है या कंप्रेसिव स्ट्रेस है जिस पासों स्ट्रेस आ रहा वो दे आपोजिट डायरेक्शन में वो दा बैलेंस बनाना है। बस छत टिक जाती है। तुझे देखे ना सरिये इंज बने होंगे ने जेड शेप में इस पासों उपर किए होने इस पास थले किए इस पास मोड़े होंगे ने इस तरीके उस स्ट्रेस नू मैनेज करते हैं भी इस छत के उपर स्ट्रेस आएगा पर स्ट्रेस नू बस मैनेज करना है। हमेशा स्ट्रेस वाले पासे काम नहीं करना। नॉर्थ वालों स्ट्रेस आ रहा है साउथ बैलेंस कर लो नॉर्थ आप पे बैलेंस हो जाएगा। उस डायरेक्शन चो आ रहा इस डायरेक्शन पे काम करो। काम सता रहा काम उत्ते काम नहीं करना। जिस जड़ ते काम करना उदे ते काम करो। काम आपे क्रोध आपे लोभ आपे सारे कुछ मैनेज हो जाएंगे। बहुत बहुत सिंपल है छोटा जा शब्द है। दुख नहीं सब सुख ही है रे। अगे कहंदे ने एक है एक ही नेता नेता हुंदा नेत्र। जे एक वाली नज़र ले ली जाए एक दा नजरिया नेत्र ए वाला देखना आ जाए ना ए वाली अख जेकर प्राप्त हो जाए तो फिर दुख कोई नहीं है। दुख तो मनुख डरदा है डर करके। साडा अज दा सैमीनार ही डर दे कारण शुरू होया। डर दे कारण सारियां गल्लां होंदियां है हाय मते फेल ना हो जाइए हाय मते ऐ ना हो जाए हाय मते वो ना हो जाए। ये जिहड़ा डर है ना यही साडे वास्ते दुख बन जांदा है। पर अच्छा होता है तो होए दुख गया ए वाला नज़रिया प्राप्त होना। जिमें माँ ने बच्चे नु कहा कोई बात नहीं तुम्हारा ये खिलौना दे देगा थोड़ी देर खेल के दे देगा।
जिमें माँ नूं या वड्डियां नूं ये वाली अख प्राप्त है, इस तरह दुनिया के हर काम वास्ते सानू एज ए बच्चा बन के ए वाली अकल, ए वाली नज़रिया, ए वाली सुजाण मत लैनी है। सो वट, बहुत सिंपल होंदा जाएगा। जेकर मैं न्यूयॉर्क रहिंदा और मेरी बिल क्लिंटन दे नाल अपॉइंटमेंट है और मैं लखा करोड़ा डॉलर दी डील मिल सकती है, बड़े दिनों तो कोशिश चल रही थी, किन्ने लोग अमेरिका आए हुए ने उन्होंने ये चांस नहीं मिलिया, मेरा अचानक चांस बनया और मैनू कहा गया तुसी 8 बजे पहुँच जाना, पर मैं 8 बजे पहुँच नहीं पा रहा क्योंकि ट्रैफिक जैम है। ट्रैफिक जैम दे विच मैं फसया इस करके क्योंकि मेरी पत्नी ने नाश्ता लेट बनाया सी। हुण मैं ट्रैफिक जैम विच दुखी हो रहा, स्टेयरिंग नूं हाथ मार रहा, सामने जिहड़ा आ जाए उन्हूं हॉर्न कर रहा, शीशा उतार के यू स्टूपिड यू डोंट नो हाउ टू ड्राइव बड़ियां गल्लां कर रहा, बहुत टेंस्ड हाँ। वो किथे कर्म सड़ गए ने, तू तेरे नाल विआह करा लिया, तैनू तेरी माँ ने सिखाया नहीं, बहुत औखा हो रहा। ये सब कुछ मैं कर रहा पर यह सारे का सारा मुसीबत मैं पाई हुई है क्योंकि मैं नॉर्थ वालों ये प्रॉब्लम आएगी कि मैं बिल्कुल क्लिंटन को 8 बजे पहुँच नहीं सकाँगा क्योंकि ट्रैफिक में फस गया वहाँ। कर यह सारिया गलों के बदले इस पास ध्यान करो, अच्छा जे नहीं मिलेगा तो की हो जाएगा, जे मिल जाएगा तो मैं सोने की बुरकियाँ खानिया सन, तो भी 2 फुलके खाने सन, दैन यू मीन इट, गल्लां असीं करदे आ वो खाने ते 2 फुलके ही ने, दैन वाई यू आर सो टेंस्ड, फिर इन्ना स्ट्रैस की है, फिर 2 फुलकियां तक ही रहना। मैं उस वेले अपने आप को समझाया डोंट वरी, तो जान छुट जाती है। 31 दिसंबर नूं इत्थे प्रोग्राम सी न्यू मिलेनियम ते, 1999 जदों खत्म हो रहा सी, इन्हां सारिया ने मेरा प्रोग्राम रख्या 31 दिसंबर दी ईवनिंग नूं। मैं क्या वीर जी पहुँच जाना, टिकटा नहीं सी मिल रही, एक्सपेंसिव टिकट भी ली, अल्टीमेटली मेरी फ्लाइट दोपहर को 2 बजे पहुँच जानी सी, मैनू स्विस एयर मिली। स्विस एयर मिलन तो बाद जदों वो न्यूयॉर्क तो चल के स्विट्जरलैंड पहुँची, उत्थे अनाउंसमेंट हुई ये फ्लाइट यहाँ से 24 घंटे आगे नहीं उड़ेगी, 2 घंटे का ट्रांजिट था पर नहीं उड़ेगी क्योंकि दिल्ली में धुंध पड़ी हुई है। जदों उन्होंने अनाउंसमेंट की, उन्होंने नाल ही कहना शुरू किया हम आपको एक होटल में ठहराएंगे। प्लेन अंदर जिन्हें 200-300 यात्री सी सारिया ने सिर ते चुक लिया, रोला पाण लगे, गालां कढ़न लगे, स्विस एयर नूं बुरा भला कहण लग पे, बहुत दुनिया डिस्टर्ब सी, मैं भी डिस्टर्ब होया सी, माई गॉड मैं 2 बजे पहुँचना है, शामी 8 बजे मेरा प्रोग्राम है, ये फ्लाइट इन्हें इतों उड़ान गए। उसी वेले सोचा भुपिंदर सिंह तेरे बिना ना पहली तरीक चढ़ेगी, तेरे बिना कल पहली तरीक दा सूरज चढ़ेगा, नवा मिलेनियम भी चढ़ेगा, अखबारों और टीवी ते इतना आ जाएगा भुपिंदर सिंह के पोस्टर लगे था वो आया नहीं, इन्ना की घबराना है। सो पूरा प्लेन अपसैट, वो सानू होटल च उन्हें ठहराया, मैं होटल के चारों पासे पर्दे हटाए, चारों पासे स्नो पई हुई सी, मैं गर्म पानी का बाथ लिया, थोड़ी देर लेटिया और मैं Y2K एक नवा आर्टिकल लिखिया। सत्संग जी वो पुस्तक आ चुका होया, बार पुस्तक तुसी देख लेना। तो फिर एक होर आर्टिकल लिखिया, एको धर्म दृढ़ है सच कोई, ये दोनों मैं लिख नहीं सी सकता जे मैं स्ट्रैस ले लैंदा कि हाए जे मैं ना पहुँचा, तू फंदे खाया है, तू दुनिया नूं पार लगाना है, बस जान छुट गई। इस तो तुसी हर अपने पहलू ते लगा सकते हो, मैं भी लगाण दा जतन कर रहा, प्रैक्टिस कर रहा, मैं भी हर पहलू ते लगाण दे लायक सुजान चैंपियन हो नहीं गया, सिर्फ शेयर कर रहा। दुख नहीं सब सुखी है रे, एक एक ही नेते बुरा नहीं, सब भला ही है रे। पर असी जदों किसी नूं बुरा भला कहिंदे आं, बुरा भला टीचर आखदा जिचर है दुहू माए, जदों असी बुरा भला किसी नूं कहिंदे, गुरु साहब कहिंदे ने किन्नू बुरा भला कहना, किन्नू मूर्ख सियाणा कहिंदा, ना को मूर्ख ना को सियाणा, किहड़े चक्करां च पिया होया है। वट मैडल यू वॉन्ट, जीत के गोल्ड मैडल मिल भी जाएगा तो क्या होगा,
ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਬਾਲ ਸੁੱਟਦਾ ਔਰ ਪਲੇਅਰ ਆਊਟ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਪਲੇਅਰ ਇੱਥੋਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਗਾਲ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨ ਸੀ ਲੋਨ ਟੈਨਿਸ ਦਾ ਮਕੈਨਰੋ ਉਸਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਨਲਟੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਰਾ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿੱਤਣਾ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰੈਕਟ ਸੁੱਟ ਕੇ ਜਾਂ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਰੈਫਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਾਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿਸਪਰ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗਾਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕੋ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਸਗਲੇ ਜੀ ਤੁਮਾਰੇ ਫਰੀਦਾ ਖਾਲਕ ਖਲਕ ਮੈਂ ਖਲਕ ਵਸੇ ਰੱਬ ਮਾਏ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖੀਏ ਕਿਸ ਕੋ ਬੰਦਾ ਬੋਲਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤਿਸਬਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖੀਏ ਜਾਂ ਤਿਸਬਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਹੈ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਵਾਈ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਪ੍ਰੂਵ ਵੋ ਗਲਤ ਹੈ ਵੋ ਗਲਤ ਹੈ ਤੁਮ ਗਲਤ ਹੋ ਆਈ ਐਮ ਮਿਸਟਰ ਰਾਈਟ ਵਾਈ ਆਈ ਐਮ ਮਿਸਿਜ਼ ਰਾਈਟ ਇਸੀ ਗੱਲ ਦੀ ਟਗ ਆਫ ਵਾਰ ਹੈ ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ ਇਸ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਲਿਆਇਆ ਮੈਂ ਔਰੋਂ ਕੋ ਦਿਖਾ ਦੂੰਗਾ ਬਰਾਦਰੀ ਮੇਂ ਵੀ ਔਰ ਲੋਗੋਂ ਕੋ ਵੀ ਟਾਊਨ ਕੋ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਕੋ ਵੀ ਆਈ ਐਮ ਸੁਪਰ ਮੈਨ ਮੈਨੇ ਇਤਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀ ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਇਤਨੇ ਲੱਖੋਂ ਕਰੋੜੋਂ ਕਾ ਪਰ ਐਨਮ ਜੋਬ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋ ਯੇ ਮਿਲਾ ਹੈ ਸਟ੍ਰੈਸ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਆਪੇ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ ਵੁਮੈਨ ਵੀ ਇਹੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਇਹ ਮਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸ ਬਣਨਾ ਹੈ ਮਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸ ਬਣਨੇ ਕੇ ਲਈ ਕਿਤਨੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਖਾਊਂਗੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਡਾਈਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੂੰ ਕਿਉਂ ਫਿਗਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਬਸ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਰੇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਜਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬੌਸ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜੋਬ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਰੇਸ ਬੱਚਾ ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਕੌਣ ਸੇ ਸਕੂਲ ਮੇਂ ਡਾਲ ਲੇਂਗੇ ਜਬ ਵੋ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗਾ ਪੋਤਲਾ ਕੌਣ ਸੀ ਕੰਪਨੀ ਕਾ ਬਣੇਗੇ ਉਸਕੋ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕੈਸੇ ਕੈਸੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਮਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਕੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਕੀ ਬੋਟਲ ਕੇ ਸਾਥ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਿਲਾਇਆ ਤੋ ਬਸ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਚਾਮਲਾਰ ਪੁੱਤੇ ਪੂਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਕੀ ਖਾਕ ਕਮਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਰਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਬੋਟਲ ਜੈਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅਮਰੀਕਾ ਸੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਿਆਉਣੀ ਪੜੇ ਜਾਂ 10 ਬੰਦੋਂ ਕੀ ਗਰਦਨ ਘੁਮਾ ਕੇ ਉਨਕਾ ਖੂਨ ਚੂਸ ਕੇ ਕਮਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਬੋਤਲ ਲਿਆ ਕੇ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਨਿੱਪਲ ਲਾਉਣਾ ਫਲਾਣਾ ਔਸ਼ਕੌਸ਼ ਵਾਲਾ ਪੋਤੜਾ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨਣਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਮੈਂ ਇਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਂ ਕਰਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਝ ਨਿਕਲਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਗੁੱਸੇ ਤੋਂ ਛੁੱਟਾਂ ਪਰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ 10 ਪਕਵਾਨ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਜਾਂ ਦਾਦੀ ਫਰਿੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਬਸ ਹੁਣੇ ਇਹ ਗਾਂ ਚੋ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆਟਾ ਗੁੰਨਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਫਰਿੱਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ 4 ਇੱਟਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਥੱਲੇ ਲੱਕੜ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਬਸ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਾਲਿਆ ਅਤੇ ਫਟਾਫਟ 15 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਫੁਲਕੇ ਪਕਾ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਇੱਕਦਮ ਉਹ ਪਰ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਗੇਮ ਪਸੰਦ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮੰਦਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਇਹਨਾਂ ਗੇਮਾਂ ਦੀ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸਭ ਭਲਾ ਹੀ ਹੈ ਰੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਭ ਜਿੱਤੈ ਮੈਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਜਿੱਤਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹਤਾ ਉਸਕੋ ਕੌਣ ਹਰਾਏਗਾ ਬਤਾਓ ਪਰ ਜੋ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹਤਾ ਹੈ ਉਸਕੋ ਮੁਸੀਬਤ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜੇਗੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੁਨੱਖੇ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪੂਰੇ ਪੂਰੇ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਪਰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਹੈਂਡੀਕੈਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਪਰਸੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੰਬਲਪੁਰ ਯਾਦ ਆਈ ਸੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਲੰਪਿਕਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰੇਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ
दस पंद्रह बंदे दौड़ के उत्थे पार करते ने रिबन नू हाथ लगाते ने ते उन्हों इनाम मिलता है बस। इस करके दूजे नू लताड़ के गाला कढ़ के धक्का दे के किसी भी तरीके नाल रिबन पार करना चाहता है, भावें क्रिकेट है, टेनिस है, हॉकी है, जो मर्जी है, जिस तरह मर्जी गुस्से विच खेडते ने, फाउल करते ने, पर हैंडीकैप्स, पंद्रह भी हैंडीकैप्स ओलंपिक रेस के अंदर चारों पासे ऑडियंस बैठी है और ये सारे दौड़ना शुरू करते ने। चार पांच कदम दौड़ते ने, किसी दी इत्थे विसाखी लगी हुई सी, किसी ने एक टंग ते टुट रहा सी, किसी दी बांह नहीं सी, किसी दी टंग नहीं सी, किसी दा गोडा नहीं सी, कोई एक अख तो नहीं सी, ये सारे दे सारे दौड़े। चार पांच कदम तो बाद एक कोना चो टह पिया, बाकी सारे अगे चले गए। थोड़ा जहा अगे जाने तो बाद सारे ने पिछे मुड़ के देखा, वो गिर गया। सारे वापस आए, सारे ने डिगे हुए नू चुकया, चुक के अपने नाल लैके सारे ने कट्ठिया रिबन पार किया। सारी ऑडियंस खड़ी हो गई, तालियां मारने लगी, हमसे तो वो अच्छे, साढ़े हाथ पैर अखा नक कन्न सब कुछ होंदे हो, असी हैंडीकैप भी नहीं आ, फिर भी स्ट्रैस लै लैंदे आ। उन्होंने प्यार दा जज्बा दिखाया, उन्होंने स्ट्रैस बिल्कुल नहीं लिया, बल्कि उन्होंने स्ट्रैस ये लिया, वापस मुड़ो यार, एक को हरा के हम आगे निकल जाएंगे, क्या फ़ायदा, हमारे जैसा ही हमारा भाई है यार, एक पिता एक इसके मुबारक है यार, बुरा नहीं, सब पला ही है रे, हार नहीं सब जीते, मैं जितना ही नहीं। आज दा निक्के तो निक्का बच्चा खेड रहा है, पर जितने वास्ते खेड रहा है, उन्हूं हार मनना पसंद नहीं है। और जितना असी ये सख्त अपने गीटे हाथी पकड़ी जा रहे हैं, उतना अपने आप को दुखी करते जा रहे हैं, बीपी हाई करते जा रहे हैं, क्योंकि जितना है, एक बंदा दूजे कोलों, एक टब्बर दूजे टब्बर कोलों, एक कौम दूजी कौम कोलों, एक कलोनी दूजी कलोनी कोलों, एक देश दूजे देश कोलों, जित के करना की है तू, फिर होएगा की, हिप्पी पुर रहे बस, या वो तू शैंपेन खड़का के खोलेगा, फुहारा निकलेगा बस, व्हाट फॉर यू वांट टू विन, पता ही नहीं पहुंचना कहाँ है, करना क्या है। अच्छा इतने लाखों करोड़ों लाख सहस खटे लाख उड़ता आवे, त्रिपत ना आवे, माया पाछे पावे, करना की चाहना है, वेयर यू वांट टू रीच, समझ। टोबी दा खोता बीमार हो गया, टुटदा ही नहीं, एक खोते नू चुक के डॉक्टर को ले गया, डॉक्टर साहब मेरा खोता टुटदा नहीं है, नू टीका लाओ। जानवा दे डॉक्टर नू टीका लाया, टीका लाण सार कोड़ा खोता दौड़ पिया, फुट के दौड़ गया, कहंदा डॉक्टर साहब मैनू भी तो टीका लाओ, मैं दौड़ के फड़ा अपने खोते नू। सानू किसे टीका लाया, खोते पिछे दौड़ या आपे लवान फिरदा पिया। वाई यू आर इन दिस रेस, जितना हार नहीं सब जीता है। ऐसो जन बिरलो सेवक बनना है, ता अदरवाइज धर्म साढ़े काम दा असी यूज नहीं कर रहे हैं, अपने ते वर्त बिल्कुल नहीं रहे हैं। रब भी रखे हुआ है, धर्म भी रखे हुआ है, ग्रंथ भी पढ़ते हैं, कर्मकांड भी करते हैं, धार्मिक स्थान पर भी जाते हैं, ऐसो जन विरलो सेवक नहीं बनते हैं। हार जीत नफरत रोसा गुस्से लड़ाइयाँ डिसहारमनी इस सारे किस्म का स्ट्रैस तो असं लिया होया, दैन वट फॉर द धर्म यू आर यूजिंग। तुसी सारे ने गल रिकॉल करो, मैं याद आ रही है, अरबी देशों के विच ऊंट यूज किया जाता है, रेगिस्तान है, ऊंट, ऊंट का बच्चा पूछता है अपनी माँ नूं, ऊंटनी नूं, ये जो हमारी आँखों की पलकें लंबी लंबी क्यों है मम्मी, ऊंटनी कहती है, इस करके कि इत्थे ना रेगिस्तान विच इन्नी ना धूड़ पैंदी है,
इन्नी रेता उड़दी है अखां च ना पै जाए, रब ने ना साडियां पलकां च बनाई है। अच्छा मम्मी इह ना साडी कमर उत्ते है, इंज क्यों बनिया होया है? माँ कहती है बेटा इस करके बनया, बड़ी दूर दूर तक पानी नहीं मिलता, असी ना पानी भर लेंदे अंदर रेगिस्तान में, बहुत दिन पैदल चलना होता है। अच्छा मम्मी ये बताओ हमारे पैर गुदेले गुदेले क्यों होते हैं ऐसे? हमको ना रेत पे चलना होता है थ्रस्ट के लिए, हम इसके कारण रेत के ऊपर जोर से चल सकते हैं, भाग सकते हैं इसके लिए। बच्चा बड़े अफसोस नाल कहिंदा मम्मी देन वाई वी आर इन द जू, हम ये चिड़ियाघर में क्यों हैं? चिड़ियाघर इतने तोड़ नहीं उड़ रही, चिड़ियाघर इतने नहीं दौड़ना, चिड़ियाघर इतने पानी है। बड़े अफसोस नाल पुछदे रब ने यह गुण मेरे च पाए ने, देन वाई आई एम इन द जू। सतसंग जी इस आयरनी नू समझिए, जे धर्म सानू यह सब कुछ सिखाता है और मैं फिर भी डिस्टर्ब ना, मैं फिर भी स्ट्रैस लैंदा अपने आप नू आस्तक नास्तक कह कह के और अपने आप नू सारी दुनिया पर, फिर धर्म बनिया ही क्यों है? फिर मैं यूज़ ही क्यों कर रहा? धर्म नू मैं समझ क्यों नहीं पा रहा? धर्म का नाँ क्यों ले जा रहा? धर्मी अखवाई क्यों जा रहा? धार्मिक स्थान बनाई क्यों जा रहा? धार्मिक स्थान दी कथावां गल्लां क्यों करी जा रहा? वाई आई वॉन्ट टू प्रोटेक्ट माई धार्मिक स्थान जे मैं वो जींदा ही नहीं? धर्म बनया रब्बी गुण लैके, जिमें रब वेख्या विकसै वे परवाह, इंज तू भी वेख्या विकसै वे परवाह बन। इस वास्ते है सिर रब जी तुसी वेख्या विकसै वे परवाह, दुनिया थले कुरबल कुरबल कर दी है, मैं होर सड़दा बढ़ता रहना, तुसी वेख्या विकसै वे परवाह रहो, असी दुखी रहने, हम ऐसे तू ऐसा, हम पापी तुम पाप खंडन, तुहाडा नीको ठाकर देशा पर अपने कोल रखो। फिर कादा रब तसब कीता है, जो मन विरला सेवक बन जाता है तो रब्बी एक मिकता च जो महसूस करता है, पदे पहले विच समझ पै गई सदीवी सुख दी अवस्था, कोई दुख नहीं है। सब तो वड्डा दुख रब्बी विछोड़ा सी, मेरा रब्बी तत जोग हो गया, इस करके हुन सुख ही सुख है। बिकॉज अखां च इक्को रब जी दी सतगुर दी मत वाली नज़र आ गई है, हुन दोए दोए लोचन पेखा, हो हर बिन अवर ना देखा। कितना सानू स्ट्रेस है, साडा मज़हब ना खत्म हो जाए, हाय साडी कौम खत्म हो जाएगी, हाय इंज हो जाएगा ना, फिर इंज हो जाएगा ना, फिर अगले इंज कर देंगे ना, फिर इंज हो जाएगा, हाइपोथीसिस तैयार करते हैं। तू कौन आंदा बचाने वाला? शब्द तू रोज पढ़ता मेरा सतगुर रखवाला हो ना, यूअर रखवाला हो सतगुर, तू बचाएगा कौम? तू सतगुर बचाएगा? तू धर्म बचाएगा? अज करीबन 6-7 दिन होए ने कि जिस दिन मैं न्यूयॉर्क तो टुरिया, उस तो सिर्फ एक दिन पहला उत्थे सैमीनार सी चपाकवा, साढ़े तो 20-25 मिनट की दूरी पर जिते बिल क्लिंटन रिटायर होने तो बाद रहिंदा है। चपाकवा जदों सैमीनार उन्होंने रखिया, मैनू बुलाया, सैमीनार सी कि विस्कानसिन अंदर मिस हैपनिंग हुई है, सिखां दे गुरुद्वारे अंदर अटैक होया है, और कई जगह इस तरीके नाल सारा कुछ, और फ्रांस पगड़ी दी गल चल रही है। ये सारियां गल्लां दे कारण अंग्रेज़ गोरियां दे विचकार अवेयरनैस जगाण वास्ते चपाकवा साडे एक वाकफ परिवार ने सैमीनार रख्या, सारी ऑडियंस गोरे आए हुए सी, कई मजमां दे भी आए हुए सी, जूश भी क्रिश्चन भी गोरे गोरियां आए हुए सी, सारे बैठे सी। मेरी भैन एक ने सिख हिस्टरी बारे सारी गलबात की, करन तो बाद वो कहती है साढ़े इतने वीर भुपिंदर सिंह जी भी आए ने, गुरु ग्रंथ साहब चो जो स्पिरिचुअलिटी पढ़ी है वो बारे तुसी कोई क्वेश्चन करना इन्हों करो। मनु एक ने कहा यू गॉट ग्रेट हिस्ट्री, वाओ इट्स ग्रेट, एंड योर डॉक्ट्रिन इज ग्रेट, इक्वैलिटी सिखाते हो, जात पात नहीं होंदा, कॉमन किचन लंगर होंदा तुहाडा, वाह। ये सारिया गल्ला करन तो बाद मैनू कहती है
सिंस वैन दिस रिलीजन इज स्टार्टेड योर नंबर इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. फर्स्ट टाइम मैं लाइफ ही ऐसा क्वेश्चन फेस करना पाया. मैनू नहीं पता मैं उन्होंने उत्तर सही दिता कि नहीं, तुम्हारा नंबर घट रहा है कि बढ़ रहा है. मैं बिना सोचा समझा उन्होंने कहा, मैंने ना गुरु ग्रंथ साहिब में से सुना है, आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच. इसको बोलते हैं ट्रुथ प्रिवेल्स. सच पुराना ना थी है. अगर ट्रुथ को कोई मुसलमान जी रहा है, अगर ट्रुथ को कोई हिंदू जी रहा है, अगर ट्रुथ को कोई क्रिश्चियन जी रहा है, ज्यूस जी रहा है, जैनी बौद्धी जी रहा है या सिख जी रहा है, तो दिस नंबर इज इंक्रीजिंग. आप ये आउटर अपीयरेंस की क्वांटिटी की क्वेश्चन मेरे को कर रहे हैं या आप रिलीजन की बात कर रहे हैं? शी स्टार्टेड क्लैपिंग. वाओ, क्या आंसर है. मैनू नहीं पता आंसर ठीक सी कि नहीं. मैंने कहा मेरा सतगुरु कहिंदा सच पुराना ना थी है. सच नू जिहड़ा जीव है ये नंबर घटदा नहीं, सच वधदा है. इस तन को तस्कर जो ना सके ना उचक्का लै जाए. बल्कि इसनू जितना इसनू खावो खावो खर्चो रल इन भाई तोट ना आवे, वध तो जाइए, वधदा है. So, what you are asking me? Do you think my religion is different than yours and your religion is different than them? Then I'm not talking about these communal hatred. Number is not decreasing. You are talking about outer appearance and the number quantity subject to votes and the politics. No, I'm not answering according to that. I'm trying to answer subject to spirituality. Spirituality mein duniya jitna seekhti ja rahi hai, samajhti ja rahi hai, evolution ho rahi hai, log aage badh rahe hain. तो नंबर बढ़ रहा है. जितना नहीं है. एक गल समझ आ जाती ना, फिर नफरत नहीं रहती कि वो हिंदू ने, कि वो मुसलमान ने, कि वो जैनी के बोधी ने. बुरा नहीं सब भला ही है. अरे ये विश संसार तुम देख दे हर का रूप है. ये समझ आ जाती ना, विरलो सेवक बन जाते हैं. देख फरीदा जो थिया, पता की होया, शक्कर होई विश. ये अर्थ असी की करते फिरते सी, लिखे हुए कि मिलते ने कि जो शक्कर सी वो जहर हो गई है. ये अर्थ नहीं ने, जदों सतगुर की मत ली है, बुजुर्गी आई है, मीन्स विजडम दी अक्ल आई है ना, पता की होया फरीद जी, बड़े विश्वास कहते देख की होया, जो मैं विष बनाया होया सी ना, शक्कर हो गई है. शक्कर की शक्कर हो गई है, विष शक्कर होई विष. साई बात जो अपने वेदन कही है किस, मैं तो टंडोरा पिट्टा, दुनिया नू दसा, लेबल लगावा, हम धर्मी हो गए हैं, हम ब्रह्म ज्ञानी हो गए हैं. ये लेबल बड़े आराम नाल खरीदे जा सकते ने ब्रह्म ज्ञानी दे. तत जो को बेते तू बन, अपना स्ट्रेस तेनू रिलीज करना आता है, मैनेज करना आता है, फाइन, तेरा धर्म कम आ गया तेनू. सब कुछ भला लगता है क्योंकि रजा पाना अनुसार जीना आ जाता है. रजा पाना अनुसार का मतलब ये नहीं है कि तुहाड़ी धी नू कोई दाज दे ना हेठा मारे और तुसी उस तो बाद कहो जिवें रब रखे. रजा विच पाने विच इनू नहीं कहंदे ने रजा पाना. एनी मिस हैपनिंग डन बाई एनी परसन इज़ नॉट रजा पाना. गुरमत अनुसार रजा पाना की है, जप जी रोज़ पढ़ते हैं, साड़ी पुस्तक तो बार मिलेगी, जप जी विच पहली पौड़ी थी कहंदे पे ने. सोचा सोचना भी जे सोची लखवार, चुप है चुपना भी, भुखियाँ भुखना उतरी, चतराई सियाण पाती, सारी गल करके अखीर ते कहंदे ने जे सब कुछ इंज है किव सच्यारा होई है. कोई मिस हैपनिंग दी गल होई, कोई कार किसी दी डैथ हो गई, कोई किसी टक्कर लग गई, कोई भूचाल आ गया, कोई सुनामी आ गया, कोई भी एग्जाम्पल नहीं है ना. पहली पौड़ी चल रही है, अगे आके कहंदे ने किव सच्यारा होई है, किव कूड़ा तुट्टे भाल, कहंदे ने हुक्म रजाई चलना.
ਅਸੀਂ ਰਜ਼ਾ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਹੀ ਮਿਸ ਹੈਪਨਿੰਗ ਸਮਝਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਰਜ਼ਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੋਸਿਸ ਸਮਝਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਰਜ਼ਾ ਪਾਉਣਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਸਾਰਾ ਨੈਗੇਟਿਵ 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 ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਡੈਥ ਬਿਮਾਰੀ ਘਾਟੇ, ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਡਿੱਗ ਪਈ, ਰਜ਼ਾ, ਐਨੀ ਮਿਸ ਹੈਪਨਿੰਗ ਡਨ ਬਾਈ ਦਾ ਮੈਨ ਕਾਇੰਡ, ਰਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਜੀ ਨੇ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ ਸੱਚ ਦਾ ਸੁਨਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਿੱਖ ਲਵੇ ਨਾ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਟੁਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਵੇ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਰਜ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ, ਕਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ? ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨਿਆ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਲਿਵ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ, ਇਹਨੂੰ ਰਜ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਰਜ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਣ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਕਾ ਔਰ ਨੀਚੀ ਜਾਤ ਕਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕੇ ਸਾਥ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਲਗਾਤਾ ਹੈ, ਉਸਕੋ ਭੁਲੇਖਾ ਰਹਿਤਾ ਹੈ, ਉਸਕੋ ਸਟ੍ਰੈਸ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂ ਨੀਚੀ ਜਾਤ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਮੇਂ ਸੇਮ ਗਲਾਸ ਮੇਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਤਾ, ਸੇਮ ਕੱਪ ਮੇਂ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਤਾ, ਇਸਕੋ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ ਕੱਪ ਮੇਂ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਏਂਗੇ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੂੜਾ ਉਠਾਤਾ ਹੈ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਆਏਗਾ ਆਪ ਤੇਰੇ ਕੋ। ਤੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਛੂਤ ਸਮਝਦਾ, ਅਛੂਤ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅਛੂਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਆ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਲਰਨ ਹਾਊ ਟੂ ਲਿਵ ਬੈਲੈਂਸਡ ਲਾਈਫ। ਜੇ ਤਾਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਮੁੱਕੀ, ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸਭ ਭਲਾ ਹੀ ਹੈ ਰੇ, ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਭ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਅਸੀਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 7-8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਲੈਵਲ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ। ਕੀ ਜਾਂਦਾ? ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਛਾ ਜੀ ਖਿਮਾ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਪੂਰਾ ਤੂਫਾਨ ਮੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਦੈਨ ਯੂ ਵਾਂਟ ਪੀਸ ਔਰ ਨੋਟ, ਯੂ ਵਾਂਟ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਔਰ ਨੋਟ। ਤੂੰ ਕਲ ਯੁੱਗ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਸਤਯੁੱਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੂੰ ਯੁੱਗ ਯੁੱਗ ਫੇਰ ਵਟਾਈਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈ, ਕਲ ਯੁੱਗ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਸਤਯੁੱਗ ਆ ਜਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਦੁਆਪਰ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਯੁੱਗ ਫੇਰ ਵਟਾਈਏ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਤ੍ਰੇਤਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਤ੍ਰੇਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, 3 ਟੰਗਾਂ ਵੇਲੇ, 2 ਟੰਗਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਦੁਆਪਰ ਵੇਲੇ, ਤਾਂ ਕਲ ਯੁੱਗ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਟੰਗ ਬਚੀ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਇੰਬੈਲੈਂਸਡ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਤਯੁੱਗ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਮਾਣ ਸਕਦਾ, ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਮਾਂਜੀ ਅਤੇ ਜਗਜੀਤ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਸਤਯੁੱਗ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਯੁੱਗ ਯੁੱਗ ਫੇਰ ਵਟਾਈ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਖਿਮਾ ਕਰ ਦਿਉ, ਸਾਰਾ ਝਗੜਾ ਮੁੱਕ ਸਕਦਾ। ਨੋ ਬਟ ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਫੋਰਗਿਵ ਯੂ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲਵਾਂ। ਹਮਕੋ ਮਜ਼ਾ ਆਤਾ ਹੈ ਕੰਡਿਓ ਕੇ ਉੱਪਰ ਸੋਨੇ ਕਾ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਦੁਖੀ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਾਸਟਰ ਨੇ, ਲੇਟ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹੋ? ਸਰ ਮੇਰੀ ਚੁਆਨੀ ਗੁਆਚ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਚੁਆਨੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਚੁਟਕਲਾ ਹੈ। ਸਰ ਮੇਰੀ ਚੁਆਨੀ ਗੁਆਚ ਗਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ, ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ 10 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਬੈਠੋ, ਆ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆਇਆ ਕਰੋ। 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੱਚਾ ਆਇਆ, ਤੁਮ ਕਿਉਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੁਆਨੀ ਗੁਆਚ ਗਈ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਖੜਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਪਰੂਵ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਚੁਆਨੀ 'ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੀ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ, ਵੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਵਾਂਟ ਟੂ ਪਰੂਵ ਆਈ ਐਮ ਰਾਈਟ, ਦੇ ਆਰ ਰੋਂਗ। ਤੂੰ ਰਾਈਟ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਂਗ ਮੰਨ ਲਵੇ ਨਾ, ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਸੋਗ ਨਹੀਂ ਸਦਾ ਹਰਖੀ ਹੈ ਰੇ, ਹਰਖ ਹੁੰਦਾ ਚੈਨ, ਸੁੱਖ, ਖੁਸ਼ੀ, ਆਨੰਦ, ਖੇੜਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ। ਪਰ ਵਿਗਾਸ
खुशी खेड़ा आनंद मेरा नहीं आ सकता जे मैनू चिंता है, फिक्र है, सोग है, स्ट्रेस है, टेंशन है। इस तरीके दे गम ने पुरानियां गल्लां याद कर करके मैं पालदा रहिंदा हाँ तां मैनू सोग रहेगा। पर जिसनू तत् जो को बेते निज कर दी गल समझ आ जाती है उहदे वास्ते सोग नहीं सदा हरखी है रे। छोट नहीं किछ लेता है, जदों किसी भी चीज़ की पकड़ ना रवे फिर कुछ भी पकड़न की आदत नहीं रहती। सब कुछ छोड़न नू मैं तैयार हाँ, फिर जो कुछ भी लॉसिज होंदे ने ना उहदे वास्ते असी रोवांगे नहीं, उहदे वास्ते असी दुखी नहीं होवांगे। सो साडी चिंता फिकर मुकदी जाएगी, असली आनंद प्राप्त हो जाएगा, कुछ छड्डना नहीं पेगा। पर अज थां थां ते साडियां लड़ाइयां मेरी चौधर क्यों नहीं मन्नी गई। ये जिहड़ी मेरी चौधर नहीं मन्नी गई, मेरा कहना नहीं मन्निया गया, साडे घर तों लै के बाहर तक और धार्मिक स्थानां तक सब कुछ इंज ही चलता है और ये सानू स्ट्रैस दिंदा है। असी अपने आप नूं बड़ा ताकतवर समझते हाँ, बड़ी उच्ची जात का समझते हाँ, बड़ा अमीर समझते हाँ, बड़े ब्रांड नेम के कपड़े पा के दुनिया नूं दिखावा करते हाँ, बड़े किस्मों के नाल असी अपनी अपनी ताकत का शो ऑफ करते हाँ। इतना ताकतवर होंदिया होया भी असी निक्की निक्की गल ते अपने आप का बैलेंस गुवा लेंदे हाँ। गुरु साहब सानू मन जीत जगजीत सिखा रहे हैं, सुख दुख दोनों साम कर जाने सिखा रहे हैं, मान अपमान के बारे सानू समझा रहे हैं कि तू समझ जा, इसनू लोहा कंचन समझा रहे हैं, सारे ऐसे बड़े सारे शब्द ने। पर साडा हाल की है, एक बच्चा कहता है मेरी दादी बोलती थी, मेरे पिताजी ना बचपन में इतने ताकतवर थे कि छोटी छोटी बात पर घर को सिर पे उठा लेते थे, बहुत ताकतवर थे। सत्संग दे ताकतवर है, ये ताकत की निशानी है कि निक्की जी गल होए घर सिर ते चुक लवो। बच्चे नूं एडियम समझ नहीं आया कि मेरा प्यो कितना बेवकूफ कितना कमजोर सी कि निक्की निक्की गल ते इन्ना रोला पा दिंदा सी। असी चुक ही लैंदे हाँ ना, असी निक्की निक्की गल ते जदों आसमान सिर ते चुक लैंदे हाँ, पहाड़ चुक लैंदे हाँ, सारा घर चुक लैंदे हाँ, तां इहदे वास्ते सानू सोचना पेगा कि असी फिक्सअप किवें होईए। जे टीवी देख के कोई कह रहा मेरे प्यो ने गुस्सा छोड़ दिता, कोई कहिंदा नशा छोड़ दिता, कोई कहिंदा शराब छोड़ दिती, कोई कहिंदा मेरा प्यो गालां कढ़दा सी, कोई कहिंदा मेरी माँ मिसबिहेव करदी सी, कोई कुछ कहिंदा, कोई अपने बारे दसदा मेरा जीवन ठीक हो गया। जिस तरह ठीक होंदा तां असी इसनू यूज़ कर सकते हाँ, तां सानू ये सारी खेड समझ आती जाएगी कि हर हमेशा हरखी जीवन विकास वाला हो सकता है। सोग नहीं सदा हरखी है रे, छोड़ नहीं किछ लेता है। असी किसी तो अगे वधना नहीं है, पकड़ के कुछ रखना नहीं है, छुटदा है तो छुटदा है, सो वट नो प्रॉब्लम। जदों छोड़न की आदत पै जाए ना तो फिर पकड़न की आदत नहीं रहती है, टेंशन और स्ट्रैस नहीं रहता। आई कैन बेयर एनी लॉस, फाइन। क्यों? क्योंकि इस लॉस दे अगेंस्ट मैं एक वड्डा गोल बनाया, एक वड्डा जिंदगी दा एम बनाया है कि मैं सारी दुनिया नाल सच डिस्कस करना है। एम मेरा वड्डा है, रतन है, निक्की जी गल दी कौडी बदले त्यागया रतन नहीं करना। बस इंज असी सारी उम्र कर सकते हैं। घरां दे विच सब दी कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। मैनू जे कदी किसी वेले भी मेरी पत्नी नाल किसी वेले प्रॉब्लम आती है और मैनू ये फीलिंग आती है मैं मर्द हो के मेरी पत्नी मैनू इंज कहती पी है, उस वेले ये जो फीलिंग आती है ना अंदरों मर्दानगी का कंडा तंग करता है, मैं अपने आप को समझदा मैं मर्द हाँ, मर्द बड़ा ताकतवर अपने आप को समझदा, उस वेले मैं सोचदा इहदे वल्लों एक कही हुई गल भुपिंदर सिंह पी जा, क्योंकि तू वड्डे नोबल कॉज वास्ते काम कर रहा है, तू इनू भैड़ा बोल ना बोल, क्यों तेरी जबान खराब हो जाएगी। हालांकि मेरी पत्नी नाल ऐसा कोई सीन बनया नहीं है, मैं एग्जाम्पल बना रहा, पर एग्जाम्पल अपने ते बना के टुकान दी कोशिश कर रहा ताकि तुहानू क्लिक हो सके। सो मेरी पत्नी नाल रिफ्ट ही नहीं आती, बहस ही नहीं आती,
जिहड़ा अपने जीवन के उच्चे एम बना लैंदा रोज़ रोज़ के निक्के निक्के गीटियां के कारण सारा घर सिर ते नहीं चुक लैंदा। जे ताकतवर हो तो ठीक है, नहीं तो लोग जिम जाते ने, अज का नौजवान जिम जाता है, डोले बनाता है, छाती बनाता है, सलमान खान बनता है, बनता है ना। पर जे कोई भी निक्की जी गल ते बंदा इसनू तंग कर सकता है तो यदि सारी सेहत बेकार, क्योंकि अंदर से सूरमा नहीं है, अंदर से गुसाई का पहलवानड़ा नहीं है। जिहड़ा अंदरों गुसाई का पहलवानड़ा बन जाता है उहदी कोई बेइज्जती कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वह मनता ही नहीं कि मेरी इज्जत है। झूठी इज्जत बनाने का कुछ फायदा नहीं है, बस छुट गए। पर नौजवान डोले बनांदा है, जिम जांदा है और इन्हां गेमां विच फस के अल्टीमेटली नशा करके जिम दे बदले रीहैबिलिटेशन विच और हॉस्पिटल पिया हुंदा है और डॉक्टर उन्हूं दवाइयां दे रहे हुंदे ने। क्यों? क्योंकि उन्हें अंदर दी ताकत नहीं सीखी, अंदर दी ताकत नहीं समझी, गुरज्ञान खड़ग चलाया नहीं सीख्या। बाहरों बाहरों असीं सब कुछ सीख लिया, बदला कैसे लेते हैं, रिवेंज कैसे लेते हैं, दो की चार कैसे सुनाते हैं, ईंट का जवाब पत्थर से कैसे देते हैं, ये सारा सानू आ गया। पर अंदर दी खेड समझ नहीं आई। सिपाही मैं बन बैठा पर अंदर दे संत पुणा मैनू समझ ही नहीं आया। सोग नाही सदा हरखी है रे, छोट नाही किछ लेता है, को नानक जन हर 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 है, कत आवै कत रमते। हुण जदों रब जी दे नाल इकमिक हो जाता ना ये मन, तत् योग दा हो जाता है, लिंक बन जाता है, उहदे विच मर्ज हो जाता है। तो हुण कत आवै कत रमतै मीनस आना जाना मुक गया, हुण ये जमदा मरदा ही नहीं। अच्छा, रोज़ रोज़ अपना बैलेंस गुवाना जमना मरना है, आना जाना है। यस, यही मेरा बैलेंस कर रहे हैं कि तू निकी निकी गलते स्ट्रेस लैके अपनी बर्बादी कर लैना। इसनू जे तू संभालना सीख ले, कत आवै कत रमते हुण नहीं रहा, हुण रमते होंदे जाना, आवै होंदे आना, आना जाना, जम्मण मरना मुक गया, काले का किछ ना बसाए। हुण टिक गए ना। जदों तत् ज्ञान रब्बी मिलन की अवस्था होंदी है, जैसा हर ही होए असी बन जाते हैं। हर जन ऐसा चाहिए जैसा हर ही होए। जे असी वो डेस्टिनी ते नहीं पहुँचे, वो जीवन का अमल नहीं बनया, तो उदे तक पहुँचाने वास्ते कबीर जी बड़ी सोहना ढंग वरतते ने कि रोड़ा होए रो बाट का तज मन का अभिमान। ऐसा कोई दास होए ताई मिले भगवान। रोड़ा हुआ तो क्या पिया, अबे तू रोड़ा हो भी गया तो क्या हुआ, पंथी को दुख दे, रस्ते ते जान वाले नु दुख देना। लोगों ने कहा तुसी ए की कीता, तुसी ए क्यों कीता, धर्म के अनुसार है, गलत है, गलत है। तू हर किसी के अगे रोड़ा बनया है, की मुसीबत बनाई हुई है, वाई। हुण कबीर जी थोड़ा ट्रांसफॉर्म कर देने, रोड़ा हुआ तो क्या पिया, पंथी को दुख दे, हर जन ऐसा चाहिए जो तरणी मैं खे। हुण रोड़ा अटकता नहीं है, कोई कार नूं ठुड्डा नहीं लगता, कोई बंदे नूं लंघण वेले ठुड्डा नहीं लगता, ना मैं रोड़ा बन के किसी के मत्थे ते वट्टा मारदा, मैं किसी नूं ब्लेम नहीं करता। गुरु साहब कहिंदे ने कबीर साहब की रचना चों, खे हो गया हो जा, रुकावट है ही नहीं। पर कहिंदे ने खे हुई तो क्या पिया, हुण इत्थे तक सैटिस्फाइड नहीं ने, खे हुई तो क्या पिया, झूठ लग गए अंग। हुण असीं लोकां दी अखां च रड़कदे हाँ, रड़कदे हाँ ना, फिर आप ही कही जाते हैं लोग मेरे बारे कहते हैं फलाना देखो आ गया है, बकवास करेगा, बोलेगा, धर्म का लैक्चर चाड़ी जाएगा, ये करेगा। अरे तू क्यों लोगों की आंखों में रड़कता है, तू इतना प्यार करके लोग तेनों अखा डा के वेट करन, हाए ओ आवे मिले का साढ़े घर आवे, क्यों असी ठेकेदार बन गया। खे हुई तो क्या पिया, जो उड़ लग गए अंग। हर जन ऐसा चाहिए जो पानी सरबंग, हूँ पानी तो नहीं ना उड़ता, हो ट्रांसफॉर्म किया कबीर जी ने, होर चिजलिंग कर रहे ने, पॉलिशिंग कर रहे ने। कहते ने पानी हुआ तो क्या पिया, शीरा ताता हुए पानी भी हो गया पर तू गर्म तत्ता छेती हो जाना, एकदम बैलेंस लूज कर जाना, कदे तत्ता कदे ठंडा, कदे तत्ता कदे ठंडा, ये की कर दें तू।
किसी जगह तू अपने पैसे की ताकत झाड़दा, किसी जगह पढ़ाई की ताकत झाड़दा, किसी जगह अपने शरीर की ताकत झाड़दा, और जिथे तेरे तो जवा सिर आ जाता उत्थे तू झम जाना है। धर्म की दुनिया में किसी नू तू अपने ज्ञान के नाल बेइज्जती करना चाहता है, किसी जगह तू किसी नू ग्रामर पढ़ा के तैनू अकल नहीं है, कि तैनू शुद्ध पढ़ना नहीं आता, तैनू मेरे वर्गा गाना नहीं आता, तैनू मेरे वर्गा तबला नहीं आता, तैनू मेरे वर्गा आलाप नहीं आता। बीबियां कर दी हैं इसी सत्संग, उन्होंने नहीं पढ़न देना, उन्होंने कोई बजाना आता है, वो को वाजा पोलन तो पहुँचन तो पहले ही हम नहीं करो आदे रचा या आनंद पे आवेरी माई शुरू कर दें हों की दिखाना है, की करना है, वाई कहते ने खे हुई तो क्या प्या जो उठ ला गया अंग हरजन ऐसा चाहिए जो पानी सर भंग, पानी हुआ तो क्या प्या शीरा ताता होए, तेरे तो वधिया मिल जाता है तो तू झम जाना है, घटिया मिल जाता है आकड़ जाना है। पत्नी पत्नी मना वास्ते पति कहता ना ऑफिस सारे दे सिखाण तो बाद तू अपनी वोटी उत्ते रोब रखना है ना, पता की कर एक गिलास पानी दे, नहीं तो बस इन्ना ही कही अगों तो सिद्धि हो जाएगी, ये बस इन्ना सीखा एक गिलास पानी दे, वो अगों कहती है नहीं तो बस एम शीरा ताता, फिर एकदम शीरा हो गया डर गया, फिर आप ही ले लांगा, इंज ही होता है ना। पति पत्नी दे वेलने तो डर के मंजे थल्ले वड़ गया, पत्नी कह रही बाहर निकलो, बाहर नहीं निकलता, रोला पै गया, पड़ोसी आ गए ने, वो कहती है पड़ोसी आ जाएंगे हूँ बाहर निकलो, अच्छा मैं कुछ नहीं कहांगी, कहता नहीं पड़ोसियों को आन दो आज मैं उन्होंने दस देंगा इस घर का मालक कौन है, मैं मालक हाँ और मेरी मर्जी मैं जिते मर्जी बैठा है। शीरा ताता है पानी हुआ तो क्या पिया जो शीरा ताता है, हर जन ऐसा चाहिए जैसा हर ही होए, तू बैलेंस अवस्था चाहना है, तेनू स्ट्रेस आएगा, तेनू जिंदगी सुख दुख आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगियाँ, वीयर टीयर होएगा, स्पीड ब्रेकर्स आएंगे, सब कुछ होएगा, पर तू हर जन दे नाल हर जन बन जा, रब जी दे नाल इक मिक हो जा, तत् योग का ज्ञान ले लै, तत् योग रब्बी मिलन कर लै, मन जीते जगजीत कर लै, गुसाई का पहलवानड़ा बन जा, बस फिर की होएगा तू हो जाएगा ना तेरा पल पल का इम्बैलेंस्ड अवस्था वाला, अपसेट वाला, व्याकुलता वाला, कलयुग वाला ये अवस्था मुक जाएगी, इस अवस्था नू आउना जाउना कहते ने। कत आवे कत रमत है छुट गए, जब कछ पावत तब गर्व करता है, माया गई तो रोवन लगता है, फिर तेनू सुख नहीं मिलेगा। मेरी सारे मनो तो ठीक है, ना मनो तो बस मैं चौधरी हटा दिता गया, ना सही कोई गल नहीं, पर इस सारिया खेडा सानू समझाइया जांदियां, जे नहीं मनदे आ नहीं करदे आ तत जो को बेहतर नहीं बनदे आ, तेरा जन विरलो है सेवक नहीं बनदे आ, तां दुख सुख बुरा भला निंदा चुगली मान अपमान हर सोग आवन जाना विच पए रहिंदे हां। इस अवस्था तो सानू गुरु साहब अज समझा रहे ने, सगल पुरख में पुरख प्रधान साध संग जाका मिटे अभिमान, आपस को जो जाने नीचा सो गनी है सब ते ऊंचा, जाका मानो इस सगल की रीना, हर हर नाम तिन कट कट चीना, मन अपने ते बुरा मिटाना ए चीज सीखन वाली है, स्ट्रेस इज गॉन। पर मैं दूजिया दे अवगुण फरोलता रहा, तेनू दूजिया च अवगुण नजर आया, अच्छा वो अवगुण तू ना करया कर, मन अपने ते बुरा मिनाना, पीखे सगल श्रिष्ट साजना, सुख दुख जन सम दृष्टेता, नानक पाप पुन नहीं लेपा। छुट गए